डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन लेटेंसी, थ्रूपुट एंड बैंडविड्थ। वैसे तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं कि सर एक बार इनको एक्सप्लेन कर दो, नेटवर्क्स की पूरी समझ आ गई, लेकिन अभी भी इनमें कंफ्यूजन जो है वो बनी रहती है। तो मैं आपको इन तीनों को विद एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आपके पास आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क। वॉल्यूम मतलब हम कितना अमाउंट ऑफ बिट्स जो है वो ट्रेवल करवा सकते हैं, अपने जो मीडिया है, अपना जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके ऊपर कितनी बिट्स को लोड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ बैंडविड्थ। और इसको मेजर कैसे करते हैं? एमबीपीएस, आपने सुना होगा इस तरीके से, एमबीपीएस, जीबीपीएस, केबीपीएस। तो लेट्स से मेगा बिट्स पर सेकेंड, मैंने लिख दिया 1 मेगा बिट पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब बना कि 10^6 बिट्स को मैं पर सेकेंड लोड कर सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, लेट से यहां पे मैंने एक पाइप का एग्जाम्पल लिया है, तो इस पाइप की आपको ये यहां पे जो विड्थ दिख रही है, इसका यहां पे आपको ये जो विड्थ दिख रही है और इसकी आपको दिख रही है, तो आप इजीली मेजर कर सकते हो कि इसमें ज्यादा वॉल्यूम भेज सकते हो या इसमें ज्यादा वॉल्यूम भेज सकते हो। तो आपको आई थिंक क्लियर कट दिख रहा होगा कि इसके अंदर आप ज्यादा वॉल्यूम जो है वो लोड कर सकते हो। कि लेट्स से अगर आपने पानी भेजना है इधर से उधर, अगर आपने पानी जो है वो भेजना है, तो आप इसके अंदर कम भेज सकते हो, इसके अंदर एक बार में ज्यादा पानी जो है वो जा सकता है। तो लेट्स सी, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 1 Mbps है, तो यानी एक तरह से आप 10^6 बिट्स को इसके ऊपर लोड कर सकते हो। और यहां पे लेट्स सी, अगर मेरी 1 Gbps है, तो इसका मतलब क्या है कि 10^9 बिट्स को आप इसके ऊपर लोड कर सकते हो। ये आप सिंपल से एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि लेट्स सी एक तरफ कार है और दूसरी तरफ है, तो कार में 4 लोग 5 लोग या 6 लोग बैठ सकते हैं, 7-8, लेकिन बस की अगर हम बात करें तो उसमें 50-60 प्लस लोग जो है वो आराम से बैठ सकते हैं। तो वही कहानी जो है वो आपकी बैंडविड्थ बताती है। तो बैंडविड्थ आई होप कि सबको क्लियर हो गई होगी। दूसरा आ जाता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या कहता है कि आपने बोल दिया जी कि आपकी बैंडविड्थ इतनी है, बट ये जो है क्या आप बेस्ट केस में यूज कर रहे हो, लेकिन क्या आप नॉर्मली इस लेवल की अचीव कर पा रहे हो या नहीं। मतलब थ्रूपुट क्या कहता है कि व्हाइल द बैंडविड्थ टेल यू हाउ मच डेटा कुड थियोरेटिकली बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, बट थ्रूपुट इंडिकेट्स हाउ मच डेटा वाज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स एट एनी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना जो है वो भेज पा रहे हो, कितना ट्रांसफर कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट द थ्रूपुट। जैसे सिंपल एग्जांपल, आपने एयरटेल का या जियो का कोई भी हमने नेटवर्क लगवाया, कोई भी आपने वाईफाई लगवाया, तो वाईफाई जब आप लगाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि सर हम 150 Mbps, हम इतनी स्पीड देंगे, हम इतनी स्पीड देंगे, हम 300 Mbps। आपने ले लिया प्लान, ले लिया प्लान, लेने के बाद आपने 2-4 दिन बाद चेक किया, चेक माई स्पीड, इंटरनेट स्पीड आपने नॉर्मल चेक किया, तो नॉर्मल स्पीड जब आप चेक करोगे इंटरनेट की, तो क्या आपको एज इट इज उतनी अचीव हो जाएगी? नहीं, कभी हो सकता है रेयर केस में आपको मिल जाए, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट एक्चुअली मैक्सिमम टाइम पे आपको सेम कभी भी अचीव नहीं होगी। तो दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ थ्रूपुट, कि नॉर्मल केसेस में बेस्ट केस में आपको बोल दिया 1 Mbps, बट जब भी आप चेक करोगे आपको मिलेगी कितनी, इसका लेट से 70% या 80% मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो वो चीज क्यों हो रही है? क्योंकि आपका मीडिया जो है वो शेयर हो रहा है। आपने घर पे वाईफाई लगाया, अकेले आप नहीं यूज कर रहे, उसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे भी अगर मैं बात करूं, तो हमने बोल दिया 10^6 बिट्स मैं भेज सकता हूं, लेकिन क्या अकेला मैं यूज कर रहा हूं? लेट्स से उस टाइम पे 2 लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसको पूरा का पूरा यूज नहीं कर सकता। तो दैट इज व्हाट द थ्रूपुट। देन हमारे पास आ जाती है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब एक तरह से डिले भी आप बोल सकते हो। तो लेटेंसी मतलब दिस मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर अ डेटा टू गेट इट्स डेस्टिनेशन अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। आपने यहां पे 10^6 बिट्स को लोड कर दिया, अब वो बिट्स जो है वो ट्रेवल कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, और करते करते वो डेस्टिनेशन पे पहुंची। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने में
कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट आ लेटेंसी। इवन अगर हम मोर एक्यूरेटली बात करें तो नेटवर्क के केस में इसको बोलते हैं एक तरह से प्रोपेगेशन डिले, मतलब यहां से यहां तक पहुंचे लेकिन आपकी एक्नॉलेजमेंट भी तो वापिस आएगी ना, तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से दोबारा सोर्स तक आप पहुंचे, दैट इज कॉल्ड अ राउंड ट्रिप टाइम। तो लेटेंसी एक तरह से राउंड ट्रिप के टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर की जाती है। तो अब आप इजीली यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि लेटेंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या लेटेंसी आपकी बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं, लेटेंसी का बैंडविड्थ से नहीं लेना देना। लेटेंसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप जिस मीडिया को यूज कर रहे हो उस मीडिया के ऊपर कितना ट्रैफिक है। अगर मीडिया के ऊपर ट्रैफिक नहीं होगा तो आप जल्दी से वहां पे पहुंच सकते हो। डिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल आपके जो है वो डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस अगर कम होगा तो आप जल्दी पहुंचोगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आप लेट पहुंचोगे, मतलब लेटेंसी ज्यादा होगी। स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो कम लेटेंसी होगी, अगर स्पीड जो है वो कम होगी तो लेटेंसी ज्यादा होगी। तो एक तरह से आप यहां पे लेटेंसी को बोल सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप एक तरह से बोल सकते हो कि डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सिंपल सी कहानी है तीनों के बीच में, लेकिन आई होप कि आपको जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।